होली आए और घर में ठंडाई ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन आज हम इन ठंडाई के मसालों को घंटों भिगोएंगे नहीं, सिल पर पीसेंगे नहीं, हम झटपट से एक ठंडाई पाउडर बनाएंगे जो उतना ही मैजिकल होगा। और तो और, इस ठंडाई को चीनी और दूध के साथ घोल करके केवल इसका एक ठंडाई ड्रिंक ही नहीं बनाएंगे, हम इससे बनाएंगे 5 अलग अलग होली स्पेशल रेसिपीज। और ये हैं ठंडाई शाही टुकड़ा, ठंडाई आइसक्रीम, ठंडाई मूज, ठंडाई चीज केक और एक इंस्टेंट ठंडाई मिक्स। यानी आज गेस्ट को होली पर इम्प्रेस करने के लिए ना कुछ कुछ नया बना लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो आज आपको एक ठंडाई पाउडर बनाने का तरीका सिखाऊंगी, फिर उसे एक इंस्टेंट ठंडाई मिक्स बनाएंगे जिसको आप जहां चाहें अपने साथ ले जा सकते हैं। ठंडा पानी डालो, घोलो और ठंडाई रेडी। फिर ठंडाई आइसक्रीम जो बनेगी केवल 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ, और यकीन मानिए बहुत ही डिलिशियस होगी। और जो हम ठंडाई मूज बनाएंगे ना, उसमें कोई भी अगर जेलेटिन ना कुछ नहीं पड़ेगा, फिर भी वो होगा परफेक्टली सेट। अब शाही टुकड़ा में सौंफ, सारे ड्राई फ्रूट्स, ये सब तो पड़ता ही है ना। तो यानी कि हमारा ठंडाई पाउडर होगा एक बहुत ही टाइम सेविंग ग्रेस हमारे लिए व्हेनेवर वी वांट टू मेक शाही टुकड़ा। और एंड में मेरा स्पेशल ठंडाई चीज केक, जिसके लिए आपको कोई भी महंगी क्रीम चीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बनेगा घर के ही इंग्रेडिएंट्स के साथ, और वो भी वंस अगेन विदाउट एनी अगर और जेलेटिन। तो फिर शुरू करें। तो कभी सोचा आपने होली पर ठंडाई ही क्यों? भाई अच्छी बात यह है कि ठंडाई अंदर से हमको तरोताजा रखती है, ठंडक का एहसास देती है। और वो जो आप होली पर इतने सारे तले भुने पापड़, चिप्स, गुजिया खाते हैं ना, तो ये क्या करती है, उससे होने वाली इनडाइजेशन को भी प्रिवेंट करती है, यानी कि आपके पेट को ठंडा रखती है। तो चलिए सबसे पहले तो जैसे मैंने आपसे कहा था, बनाते हैं हम एक इंस्टेंट ठंडाई मिक्स, एक ठंडाई पाउडर। अच्छा, अब ट्रेडिशनली क्या किया जाता है, ये जितने हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, जैसे कि ये काजू हुआ या फिर ये पिस्ता हुआ या फिर ये बादाम हुआ, इनको सोक करके रख लिया जाता है। लेकिन आज हम क्या करेंगे, आज हम इनको विदाउट सोकिंग मिक्सी में पीस करके इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। और इसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर ये 1 कप काजू, इसी के साथ ये 1 कप पिस्ता, 1 कप बादाम, 3/4 कप यानी 3/4 कप ये मेरे पास है मगज। ऐड करूंगी इसमें 2 टेबलस्पून इलायची, इसी के साथ 2 टेबलस्पून काली मिर्च के दाने, 1/4 कप सौंफ, 1/4 कप पोस्ता दाना और इसी के साथ साथ 1/2 कप ड्राइड रोज पेटल्स भी। अब इन सारे मसालों को हम अपने मिक्सी के जार में थोड़ा थोड़ा करके पीस लेंगे। और यही नोट कर लीजिए आप अपनी बहुत इम्पॉर्टेंट टिप नंबर 1 ऑफ द डे, जो ये कहती है कि अगर आप इन ड्राई फ्रूट्स को पीसने से कम 1/2 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे ना, तो पीसते वक्त ये ड्राई फ्रूट्स अपना तेल नहीं छोड़ेंगे और एकदम फाइन पाउडर में पीसना आपको इसके लिए आसान हो जाएगा। ये देखिए पहला बैच डन। अब एक और टिप नोट कर लीजिए यहां, और वो ये कि अगर आप इस ठंडाई के पाउडर को थोड़ा चीनी के साथ पीसेंगे ना, तो इसे पीसना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए मैं इस मिक्सचर में 1/2 कप चीनी भी ऐड कर दे रही हूं। और इसी के साथ साथ एक और टिप है मेरे पास, जो ये कहती है कि जब हम इस मिक्सचर को पीस रहे होंगे ना, तो एक बार लगातार अपना मिक्सी का बटन दबा के इसको लंबे समय तक के लिए मत चलाइएगा, रुक रुक के धीरे धीरे करके पल्सेस में चलाइएगा। वंस अगेन, ऐसा करने से आपके जो नट्स हैं, जो ड्राई फ्रूट्स हैं, वो तेल नहीं छोड़ेंगे। तो लीजिए भाई, हो गया तैयार हमारा सारा का सारा ठंडाई पाउडर। अब मैं बहुत सारा इसलिए बना करके रख लेती हूँ क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ केवल एक ठंडाई की ड्रिंक बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि बहुत सारे पर्पसेस के लिए। तो ये ठंडाई जो है ना, काफ़ी डिलिशियस तो है ही,
साथ ही साथ में न्यूट्रिशियस भी है। इसमें काफ़ी सारा फाइबर है, काफ़ी सारा प्रोटीन है, इसी के साथ साथ ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं। और ये आपकी गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आपके गट के अंदर की जो म्यूकस की लेयर होती है ना, उसको रिस्टोर कर देता है। वो जो पॉपी सीड्स और मगज़ हमने इसमें ऐड किए थे ना, वो इसमें फाइबर ऐड करते हैं, आलमंड्स इसमें विटामिन ई ऐड करते हैं, और इसी के साथ साथ अच्छे फैट्स भी ऐड करते हैं। क्या आप जानते हैं पिस्ता एक बहुत रिच सोर्स होता है वेजिटेरियन प्रोटीन का। अब सौंफ और इलायची जो है हमारा डाइजेशन इम्प्रूव करते हैं, ये तो हमको पता ही है। साथ ही साथ वो जो रोज पेटल्स हमने डाले थे, वो क्या करते हैं आपकी स्किन को रिस्टोर करने में और ठंडक देने में ये हेल्प करते हैं। अब बारी आती है इसको स्टोर करके रखने की, तो यही नोट कर लीजिए आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप, जो ये कहती है आप इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में या फिर ऐसे किसी जिप लॉक बैग में स्टोर करेंगे। कहाँ? बाहर नहीं, रेफ्रिजरेटर के अंदर। क्योंकि जितने नट्स हमने इसमें ऐड किए हैं ना, इनमें है काफ़ी सारे फैट्स, और हम नहीं चाहते कि वो फैट्स रैंसिड हो जाए, यानी कि खराब हो जाए। अब ये तो जा रहा है रेफ्रिजरेटर के अंदर, अब हम इसे और क्या क्या बना सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, एक तो हम इससे बनाएंगे एक इंस्टेंट प्रीमिक्स, कि बस पानी में आपने इसे घोला और एंजॉय कर लिया। इसके लिए लूंगी मैं आधा कप ठंडाई पाउडर, ऐड करूंगी इसमें आधा कप ये मिल्क पाउडर, और इसी के साथ साथ आधा कप चीनी भी। नाउ द बेस्ट वे टू मिक्स दिस इज कि आप इसको वापस से एक बार मिक्सी में डालिए और सबको इकट्ठे चला दीजिए, एक इवन और एक होमोजेनियस आपका पाउडर रेडी हो जाएगा। डन। अब करना क्या है, जैसे हम वो आइस टी बनाते हैं ना, ग्लास में लेते हैं अपना आइस टी मिक्स, एग्जैक्टली वैसे ही ले लेंगे हम एक ग्लास में ठंडाई पाउडर, ऐड करेंगे इसमें ठंडा पानी, थोड़ी सी बर्फ, और इसे एंजॉय कर लेंगे। ओह, एब्सोल्युटली परफेक्ट। देखा आपने, एक इंस्टेंट ड्रिंक तो हमने बना ली। अब बढ़ते हैं अपनी अगली रेसिपी की तरफ, जो जैसे मैंने आपको बताया था जो होगा शाही टुकड़ा। तो ये स्पेशल वाला ठंडाई शाही टुकड़ा बनाने के लिए मुझे चाहिए होगी ये ब्रेड, इसी के साथ साथ दूध, चीनी और अपना ठंडाई पाउडर, बस इतना ही। तो यहां मैं दो पैन चढ़ा रही हूं, एक में तो ये दूध गर्म करने के लिए चढ़ा दूंगी और एक में थोड़ा ऑयल गर्म करने के लिए चढ़ा दूंगी। तो जब तक मेरा तेल गर्म होता है और दूध भी यहाँ अच्छे से पकता है ना, तब तक मैं ये सैंडविच ब्रेड है मेरे पास, इस ब्रेड को ट्रायंगल्स में कट कर लूंगी। दूध को पका करके हम रिड्यूस कर लेंगे जब तक कि ये आधा नहीं हो जाता, और ये ब्रेड के स्लाइसेस को फ्राई करके रख लेंगे जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाते। ब्रेड भी गोल्डन हो रही है यहाँ पर, और ये दूध भी काफी पक चुका है। अब मैं क्या करूंगी, इस दूध में ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून ठंडाई पाउडर, और इस दूध को इस ठंडाई पाउडर के साथ अच्छे से पक जाने दूंगी। और अब इसी के साथ साथ ऐड कर दूंगी इसमें चीनी भी। सो आई एम एडिंग अबाउट 1/4 कप ऑफ शुगर। चीनी डालकर इसे पका लेंगे जब तक ये चीनी का पानी भी पूरी तरीके से सूख नहीं जाता और हमारा दूध फिर से एक बार गाढ़ा नहीं हो जाता। अब इस फ्राइड ब्रेड को मैं ऐड कर दूंगी इस दूध में, और इस दूध के साथ इसको पक जाने दूंगी जब तक कि ये सारे मिल्क को अब्सॉर्ब नहीं कर लेती। अब देखिए, ये दूध एकदम से गाढ़ा हो चुका है, गैस को हम कर देंगे बंद और इसे पहले अपनी सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। जैसे जैसे ये दूध ठंडा होता जाएगा ना, ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। दिस डन। अब बढ़ते हैं अपनी अगली रेसिपी की तरफ, जो होगी ठंडाई मूज। मैं यहाँ पर 1 कप क्रीम ले ले रही हूँ, जिसे पहले मैं थोड़ा सा कुक करने के लिए चढ़ा दे रही हूँ। इस क्रीम में मैं ऐड करूँगी 1/4 कप ऑफ शुगर, इसी के साथ 2 टेबलस्पून ये प्रिपेयर किया हुआ ठंडाई मसाला भी। मेरे पास है यहाँ पर 3/4 कप दूध। अब इस दूध में मैं ऐड करूँगी 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर। अब इतनी क्वांटिटी जब मैं इसमें कॉर्नफ्लावर की ऐड करूंगी ना, तो व्हाट विल हैपन इज दिस विल गिव अ सेटिंग कंसिस्टेंसी टू माय मूज। इसीलिए मुझे इसमें ना ही अगर अगर मिलाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही कोई जेलेटिन। अपने मूज को अच्छा सा कलर देने के लिए मैं इसमें 2 से 3 ड्रॉप ग्रीन कलर के भी ऐड कर रही हूं।
अब हम इसे कुक कर लेंगे जब तक ये थोड़ा सा थिक होना नहीं शुरू हो जाता। एंड वंस इट स्टार्ट्स थिकनिंग अप, गैस को हम कर देंगे बंद और इसको चलाते चलाते ही हल्का सा हम पहले कूल डाउन हो जाने देंगे। डन। अब इस थिक कस्टर्ड को आप अपने सर्विंग बोल्स में निकाल लीजिए और सबसे पहले तो चिल करने के लिए इसे फ्रिज में रख दीजिए। ये देखिए, दिस विल कोट द बैक ऑफ योर स्पून वेरी इजीली। अब ये जो प्रिपेयर्ड मूज मिक्सचर है इसको मैं अपने सर्विंग ग्लासेस में निकाल लेती हूँ। देखा कितनी आसानी से एक मूज भी बना लिया ना। अब इस मूज को सेट करने के लिए हम रख देते हैं अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर और तब तक बना लेते हैं अपनी नेक्स्ट डिश जो होगी ठंडाई आइसक्रीम, और जिसे मैंने आपसे कहा केवल 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ। अब पहले मैं क्या करूंगी, हाफ कप ठंडाई पाउडर ले लूंगी अपने पैन में और इसे हाफ कप मिल्क के साथ थोड़ा सा कुक कर लूंगी ताकि दूध में ठंडाई का सारा फ्लेवर आ जाए। मैंने ना यहाँ पर थोड़ा सा केसर पानी में भिगो करके रखा हुआ है ना, और दिस इज एंटायरली ऑप्शनल, अगर आप चाहें तो इसमें केसर ऐड कीजिएगा, नहीं तो केसर के बिना भी ये बहुत डिलीशियस लगेगा। वंस दिस कम्स टू अ बॉयल, इसे 2-3 मिनट के लिए हम सिमर कर लेंगे और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी ये कंडेंस्ड मिल्क। नाउ दिस कंडेंस्ड मिल्क विल ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ माई मिल्क एंड ठंडाई मिक्सचर। अब इसे हम कंप्लीटली कूल डाउन कर लेंगे एंड देन वी विल फोल्ड दिस इनटू आवर व्हिप्ड क्रीम। ये रेगुलर जो व्हिपिंग क्रीम मार्केट में मिलती है उसका मैंने इस्तेमाल किया है और उसे मैंने देखिए इस तरह से स्टिफ पीक स्टेज तक व्हिप करके रख लिया है। अब थोड़ा थोड़ा सा ये मिक्सचर मैं इसमें ऐड करती जाऊंगी और इसको लाइटली व्हिप कर लूंगी। तो क्योंकि मैंने इसमें कंडेंस्ड मिल्क डाला है, मुझे अपने दूध को ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और ना ही इसमें चीनी ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी। मेरी व्हिपिंग क्रीम में भी चीनी है, ये भी ऑलरेडी स्वीटेंड है। मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़े से ये ड्राइड रोज पेटल्स भी फॉर अ नाइस कलर। अब एक फ्रीजर प्रूफ कंटेनर में अपनी आइसक्रीम को आप निकाल लीजिए और इसे चिल करने के लिए फ्रीजर में रख दीजिए 7-8 घंटे के लिए। अब ये जाएगा फ्रीजर के अंदर और हम तैयारी कर लेंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी की जो है ठंडाई चीज केक। तो सबसे पहले इन डाइजेस्टिव बिस्किट्स को क्रश करके मैं इसका एक कोर्स पाउडर बना लूंगी। अब इसमें ऐड करेंगे हम ये 50 ग्राम्स ऑफ बटर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डन। अब मैंने यहां पर एक ये चीज केक मोल्ड ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा हुआ है, तो मैंने इसके बेस और साइड्स दोनों पे लगा लिया है बटर पेपर और अब इसके अंदर ये जो मेरा बटर और बिस्किट्स का मिक्सचर है मैं ये मिक्सचर डाल दूंगी। अब किसी भी ग्लास के हेल्प से ना आप इसको इसमें ऐसे प्रेस करते जाइए। ऐसा करने से क्या होगा, ग्लास के हेल्प से ये बिस्किट क्रंच जो है बेस पर इजीली सेट हो जाएगा। डन। अब 15 मिनट के लिए इसे मैं चिल करने के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देती हूँ और तब इसकी फिलिंग प्रिपेयर कर लेंगे। अब चीज केक की फिलिंग बन रही है बिना क्रीम चीज के और वो भी घर के इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो इसके लिए पहले ये जो पनीर है मेरे पास, इस पनीर को क्रम करके तोड़ करके मैं अपने मिक्सी के जार में ले लूँगी। इसी के साथ ऐड करूँगी इसमें 1/2 कप थक्का दही, पाउडर्ड शुगर, 1/2 कप ऑफ माई ठंडाई पाउडर और 1 टेबलस्पून लेमन जूस। इसी के साथ साथ 1/4 कप क्रीम भी। अब मिक्सी में पीस करके इसका एक फाइन पेस्ट बना लेते हैं और अगर आप चाहें इसमें एक अच्छा सा कलर तो आप इसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर भी ऐड कर सकते हैं, फूड ग्रीन कलर। अब मैंने ये जो स्टिफ पीक तक बीट करके रखी हुई है यहां पर व्हिपिंग क्रीम, इसमें मिलाते हैं ये व्हिपिंग क्रीम, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ताकि ये फ्लफी बनी रहे और इसका जो एरेशन है वो सेटल डाउन ना हो। अब ये जो चीज़ केक का बेस मैंने यहाँ प्रिपेयर करके रखा हुआ है जो अब अच्छे से चिल हो चुका है, इसमें निकाल लूँगी मैं अपनी फिलिंग एंड वंस अगेन आई एम गोइंग टू पुट दिस बैक इनटू द रेफ्रिजरेटर, लेकिन इस बार कम से कम 7-8 घंटे के लिए ताकि ये चीज़ केक अच्छे से सेट हो जाए। इसे पहले अच्छे से टैप कर देंगे ताकि इसमें कहीं कोई एयर पॉकेट्स होंगे ना,
तो वो एयर पॉकेट्स भी सेटल हो जाएंगे और ये भी थोड़ा सा ऊपर से इवन हो जाएगा। 7 से 8 घंटे के बाद हमारा चीज़ केक अच्छे से सेट हो चुका है कि नहीं, इसे खोल करके एक बार चेक कर लिया जाए। ये देखिए हमारा चीज़ केक कितने खूबसूरती से सेट हो चुका है। तो अब इसे गार्निश कर लेते हैं थोड़े ड्राइड रोज पेटल्स और थोड़े पिस्ताशियों के साथ। और इसी के साथ साथ मेरी आइसक्रीम भी जम चुकी है, चलिए आपको आइसक्रीम भी दिखाती हूँ। तो लीजिए भाई, हो गए तैयार हमारे पांचों के पांचों रेसिपीज जो हमने बनाई हैं आज अपने ठंडाई पाउडर के साथ। और ये रहा मेरा ठंडाई पाउडर भी। अब आप भी ये ठंडाई पाउडर ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा और इसी के साथ साथ ये पांचों की पांचों रेसिपीज भी ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा होली पे ठंडाई का कुछ स्पेशल मज़ा आया कि नहीं।